ये हमारे उत्तराखंड में बसंत पंचमी को इस तरीके से मनाया जाता है कि देख सकते हैं आप कितना स्पॉन्जी बना हुआ है। ये बहुत शुभ माना जाता है। तो इन्होंने कहा हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हमारी कुछ ऐसे हो रही है। आज बसंत पंचमी, सरस्वती पूजन, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हमारी पूजा भी संपन्न हो गई है। अभी मैं आई हूँ छत पे, काम करके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। थोड़ा सा धूप सेकने के लिए आई थी, देखा बाहर तो मौसम काफ़ी चेंज हो रखा है, मौसम बादल लगे हुए हैं, मौसम एकदम ऐसे हो रखा है। आज थोड़ा सा और दिन के अकॉर्डिंग ठंडा है, बादल लगे हुए, धूप बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम धूप है। और नाश्ता वगैरह हमारा हुआ नहीं अभी, ये तो ऑफिस चले गए थे सुबह, इनके लिए टिफिन वगैरह पैक कर दिया था। आर्य के लिए और अपने लिए मैंने अभी बनाया नहीं, अब बनाऊंगी। आर्य क्या हो गया, गुस्सा होके बैठी है यहाँ लड़की, यहाँ देखो क्या हो गया बेटा। मौसम भी काफी बदला बदला है। और अब करती हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी, लेके चलती हूँ। मम्मी हमेशा बसंत पंचमी के दिन पूरी पकौड़ी बनाती थी, अब मम्मी की बहुत याद आ रही है क्योंकि खुद से बनाना पड़ता है। और अपने लिए अकेले के लिए भी क्या बनाना है, जब भी ड्यूटी से आ जाएंगे आज अभी तो सिंपल सा रोटी सब्जी बना लेते हैं। सब्जी तो बनी हुई है, आटा भी लगा हुआ है, बस अब रोटी रोटी बनाऊंगी अपने लिए, आर्य के लिए। उसके लिए दूध गर्म करती हूँ। तो क्यों ना मैंने कहा रोटी से आज बसंत पंचमी की शुरुआत की जाए। तो मैं बनाने वाली हूँ गाइस ढोकला। ये है गुड़ हमारे महाराष्ट्र के कोई इनके दोस्त है वो भैया लेके आए थे, महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस गुड़। तो गाइस रोटला बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, वैसे तो मैंने ऑलरेडी काफी बार, एक बार भी नहीं दो तीन बार मैंने रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर रखी है, लेकिन कई लोग मेरे साथ नए जुड़ते हैं, पुराने ब्लॉग नहीं देखते, उनके लिए मैं फिर से एक बार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जो हमारे उत्तराखंड में बहुत ही फेमस ट्रेडिशनल मिठाई है रोटला, वो मैं फिर से बनाने वाली हूँ आज। मैंने सोचा बसंत पंचमी के दिन रोटने से ही शुरुआत करते हैं, रोटने वैसे भी हमारा ट्रेडिशनल मिठाई है उत्तराखंड का, तो क्यों ना मैंने कहा रोटने से ही शुरू की जाए बसंत पंचमी। तो सबसे पहले मुझे लेना होगा यहाँ पे आटा, मैंने लिया हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा आटा। और उसके बाद ये है रोस्टेड सूजी, जिसको भी बनाना होगा आप बेशक बना सकते हैं, बहुत ईजी है, खाने में एकदम जबरदस्त होता है, इसका कोई जवाब नहीं है। फिर नारियल, बादाम एंड काजू। तो मैं इनका क्या करती हूँ, क्योंकि जब ये सब बनाऊँ तो जैसे होता है ना कि कुछ खाने में अगर मुंह में आ जाए, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो आर्या वो सारी चीज़ें पसंद नहीं करती, एकदम सॉफ्ट होना चाहिए सब कुछ। तो मैं क्या करती हूँ, साथ ही साथ हमें लेना है सौंफ एंड मेल्टेड घी, दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा पता नहीं। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, कुछ एलमंड लूंगी, वो मैं ये मिक्सी का जार है इसमें एकदम ग्राइंड कर देना है सब चीज को। इसमें मैं थोड़े से डाल दूंगी एलमंड, थोड़े से डाल दूंगी मैं सर काजू। गाइस आप भी अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं, बहुत हेल्दी होता है। ये जो सौंफ है, सौंफ भी मैं इसमें पीस दूंगी ताकि बच्चे का मुंह में भी ना आए और हेल्दी का हेल्दी भी हो जाएगा और बच्चे शौक से खा भी लेंगे। तो एक की हेल्प से मैं इसको इस तरीके से बारीक बारीक कट कर दूंगी। ड्राई फ्रूट्स जितना भी था सारा मैंने इसमें इसका पाउडर बना दिया, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, और उसके बाद मिक्स कर देंगे। तो गाइज ये आटा है, रोस्टेड सूजी है, और ये जो ड्राई फ्रूट्स का मैंने पाउडर बना रखा है, सब इसमें ऐड कर देंगे। इसको भी मैं निकाल दूंगी और इसको अच्छे से पहले मिक्स कर देंगे हम, ठीक है। तो गाइस हमारे रोटने ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुके हैं, कुछ रह गए यहाँ पे और कुछ यहाँ पे बन रहे हैं, बहुत ही क्रिस्पी बन रखे गाइस, ये देखो बहुत ही टेस्टी होते हैं, हेल्दी। तो गाइस रोटने ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुके हैं, बस दो चार रह गए फ्राई करने, बाकी बन चुके हैं।
तो अब लंच की तैयारी करती हूँ, 1:30 बज गया है, थोड़ी देर में भी आने वाले हैं, तो फटाफट से लंच रेडी कर लेती हूँ। आज बनाने वाले हूँ राइस एंड चैसू। और लंच भी मैंने एकदम रेडी कर दिया है, 2:15 हो गया, 2:30 बजे तक ये आ जाते हैं। हाँ, पूरे सुबह से कमर में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। Hey guys. तो मैं आपको थोड़ा सा टेस्ट करके भी बताती हूँ रोटा कैसा बनाया। एकदम क्रिस्पी, सूजी का जो इसमें टेक्सचर आता है ना, वो इतना अमेजिंग आता है, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी सा। बिस्किट फेले इसमें, बेकरी के बिस्किट। तो चलिए मिलते हैं आपसे, ब्लॉग में बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। अभी टाइम हो रहा है 4:45। तो लंच करने के बाद हम लोग सो गए थे, जस्ट अभी उठे तो मैं इनको बोल रही कि चाय बनाती हूँ, चाय के साथ बनाते हैं पकौड़ी। तो बोल रहे नहीं, बगल से भाभी ने भी थोड़ा सा पकौड़ी वगैरह दे दिया पूरी, तो बहुत ज्यादा बोला ऑयली ऑयली हो रहा है, तो मन नहीं है बिल्कुल भी। और जैसे मैंने बताया कि हमारे उत्तराखंड में बसंत पंचमी को इस तरीके से मनाया जाता है कि घर पे कुछ ना कुछ पूरी पकौड़ी, मतलब ऑयल की चीजें बन, ये बहुत शुभ माना जाता है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, वो जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैंने रोटी बना दी, बोला ऑयल लग गया घर पे, शुभ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ। बोले पकौड़ी वगैरह और चाय पीने का भी बिल्कुल मन नहीं है, तो मैंने कहा क्या करूँ। तो मुझे ध्यान आया कि यार बेसन भी पड़ा हुआ घर पे, तो बोल रहे कि ढोकला, बहुत टाइम से ढोकला नहीं खा रहा था कि ढोकला बना दे, मेरे हाथ का ढोकला बहुत पसंद करते हैं। तो मैंने कहा यार टाइम भी है ही, तो फटाफट से मैं क्यों ना ढोकला बना लेती हूँ। तो टाइम भी है और आज बसंत पंचमी के दिन थोड़ा सा कुछ येलो वगैरह भी बनाते हैं, पहनते भी है, पहना तो मैंने है नहीं, लेकिन कुछ बोलते हैं कुछ येलो सा बनाना चाहिए, तो ढोकला तो मैंने कहा। तो यहाँ पे एक बाउल में मैंने बेसन ले लिया है और बेसन में थोड़ा मिक्स कर देंगे हम 1 चम्मच के लगभग चीनी, 1 चम्मच के लगभग मैंने यहाँ पे चीनी ऐड कर दिया है। और साथ ही साथ करेंगे इसमें हम थोड़ा सा हल्दी ऐड करेंगे, थोड़ा सा हल्दी ऐड कर दिया है और थोड़ा सा नमक। और 1 चम्मच के लगभग मैं इसमें नींबू ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा 2 चम्मच के लगभग इसमें ऑयल डालना है। ये लोग गरम तेल डालते हैं लेकिन मैं ठंडा ही ले रही हूँ यहाँ पे। इस मिक्सर को अच्छे से हम फेंट लेंगे, मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूंगी, ज्यादा एक साथ नहीं करना बिल्कुल भी। तो गाइस हमारा बैटर यहाँ पे रेडी हो गया है, देख सकते हैं आप। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी इनो, देख सकते हैं आप, मैंने गैस का स्टैंड रखा हुआ है, अब इसी में ये, और इसको ऑयल से ग्रीस कर दिया, फिर लास्ट में बताऊंगी आपको, ठीक है। देखते हैं कैसा बनता है हमारा ढोकला। तो गाइस ये जुगाड़ मैंने कुछ ऐसे कर रखा है, इसमें मैं लगा दूंगी इसमें ढक्कन, बस ये बनता रहेगा। ढोकला हमारा रेडी हो रहा है, इज्जत का सवाल है भैया, अच्छा बनना चाहिए वरना बेइज्जती हो जाएगी मेरी। 15 मिनट तक वेट करती हूँ, फिर देखूंगी और लास्ट में दिखाऊंगी आपको कैसा बना है। चलो 15 मिनट बाद चेक करते हैं, फिर बताएंगे आपको, ठीक है, ब्लॉग में बने रहिएगा। 15 मिनट हो गया है, मैं अभी बीच में गई थी देखने के लिए, उस टाइम पे थोड़ा मैंने चाकू डाल के देखा, तो उस टाइम पे थोड़ा सा गीला था, मतलब नहीं बना था, तो मैं फिर से चेक कर लेती हूँ, ठीक 15 मिनट हो गए, तो अभी देख लेते हैं इसमें कितना कसर और है। वाह, ढोकला तो हमारा दिखने में बड़ा मस्त लग रहा है, अब देखते हैं खाने में कैसा होता है। ये देखेंगे इसमें, थोड़ा सा है अभी कसर, अभी इसको 5 मिनट के लगभग और मैं ढक लेती हूँ,
एक्चुअली टाइम आ गया है ढोकला चेक करने का। चेक तो मैंने कर रखा है लेकिन वाह देखने में तो बड़ा जबरदस्त लग रहा है यार। ये देखो स्पॉन्जी स्पॉन्जी सा, ये फास्ट एनफ टैलेंटेड है पूरे। इसको सीधा रख लेते हैं। अब मैं फटाफट इसके लिए छौंक लगाने के लिए तैयारी करती हूँ। तो गाइस तैयारी यहाँ पे मैंने पूरी कर रखी है। ये देखो हरी मिर्च काट के, चार हरी मिर्ची है, कुछ करी पत्ते हैं, थोड़ा सा तो फटाफट से इसमें तड़का लगाते हैं। और बहुत अच्छा है। तो वाटर निकालो। भी लग चुका है, देख सकते हैं हमारा ढोकला। अब इस पे मैं थोड़े थोड़े पीसेस कर लेती हूँ इसके, ठीक है। हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे डियर आर्या। मैं किसका है क्या? दिस इज ढोकला। तो गाइस ये हमारा ढोकला, देख सकते हैं आप कितना स्पॉन्जी बना हुआ, इतना टेस्टी लग रहा है दिखने में। एक बार मैं टेस्ट करके दिखा ही लेती हूँ आपको, सामने लाइव हो जाएगा। बहुत टेस्टी बना हुआ, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं बहुत टेस्टी बना हुआ है। तो गाइस ये हमारा ढोकला बहुत टेस्टी बन रखा है, बहुत टेस्टी, सच में कोई जवाब ही नहीं है। तो यही थी गाइस बसंत पंचमी, स्पेशल क्वार्टर की बसंत पंचमी विदाउट फैमिली। फैमिली के बिना सारे फेस्टिवल अधूरे लगते हैं, क्योंकि अपना घर तो अपना होता है। घर की बहुत याद आती है, चाहे यहाँ पे कितना कुछ भी कर लें, कुछ भी हो जाए, लेकिन फैमिली के बिना सब फेस्टिवल अधूरे लगते हैं। यहाँ पे हम है हस्बैंड वाइफ एंड बेबी, लेकिन फिर भी घर वालों की बहुत याद आती है, बहुत मिस करते हैं। चाहे वहाँ पे हम पूरी पकड़ो जो भी बनाए, यहाँ पे कितना कुछ भी अच्छा बना लो, जो भी बना लो, जैसे आप हमारा छोटा सा बेबी लड्डू। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आएगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।